So guys, welcome to Look On to Cook On. This is Tanjeet Singh Chhabra once again. आज मैं एक बहुत प्यारी सी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है और मुझे बहुत पसंद है. मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी. इस रेसिपी का नाम है स्टीम्ड फिश इन मिंट फ्लेवर. अनलाइक फ्राइंग, स्टीमिंग के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. पहला बेनिफिट, स्टीमिंग एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है. इससे खाना धीरे धीरे बनता है तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंटैक्ट रहती हैं. दूसरा फायदा, हेल्थ बेनिफिट ये है कि ऑयल फ्री खाना है तो पेट पे भारी नहीं होता, इनडाइजेशन की समस्या नहीं होती एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट आल्सो. तो आपको फिश के तो बेनिफिट्स मिलते ही हैं, आपको ऑयल फ्री कुकिंग के बेनिफिट्स भी मिलते हैं. फिर हमने इसमें जोड़ा है मिंट, क्योंकि फ़िश के साथ में एक टैबू जुड़ा होता है कि फ़िश में स्मेल होती है. फ़िश को कई लोग पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि स्मेल के कारण उनको अच्छा नहीं लगता, तो मिंट जो है उसको कवर अप कर लेता है. जो फ़िश हमने इस पर्पस के लिए चुनी है वो है कटरना या कटिया फ़िश, जो कि लोकली अवेलेबल होती है. ये एक सिंगल कांटे की या सिंगल हड्डी की फ़िश होती है, इसलिए बच्चे भी इसको आराम से खा पाते हैं क्योंकि बड़े आराम से इसको बोनलेस किया जा सकता है. तो कटरना फ़िश हमने ली है जो कि लोकल फ़िश सेलर्स के पास में बड़े आराम से मिल जाती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर बिफोर प्रोसीड आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. नाम है लुक ऑन टू कुक ऑन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अब हम इस फिश को लेंगे और इसमें एक फोक की मदद से हम इसको पियर्स कर लेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से परफोलेट कर सकें. ऐसे पियर्सिंग कर लीजिए, आप इसकी परफोरेशन कर लीजिए, सारी फिश के पीसेस को इस तरह से परफोरेट कर लीजिए. अब हमें चाहिए होगा कुछ मसाले, जैसे सबसे पहले नींबू का रस, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, सिंपल लाल मिर्च, काली मिर्च और घर का बनाया हुआ गरम मसाला. इस मसाले को बनाने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा और ऊपर आई बॉक्स में सजेशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके भी इस मसाले को बनाने की विधि को देख सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, अब हम डालेंगे घर का बनाया हुआ गरम मसाला, फिर हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, फिर हल्दी और थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, और थोड़ी सी सादी लाल मिर्च ताकि हम तीखेपन के जो बैलेंस को मेंटेन कर सकें. और हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिंजर गार्लिक पेस्ट अब हमने इसमें ऐड कर दिया. और हाँ, नींबू का रस. अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इवन पेस्ट बना लेंगे. और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश मिंट लीव्स, जिसको हमने बारीक काट लिया है, इसको भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया. इसमें हमने अपने फिश के पीसेस को डाल दिया और उसको अच्छे से कोट कर दिया. सब तरह से इसको कोट कर देंगे, सारे फिश पीसेस को डाल के हमने इसको अच्छे से चला दिया और इवनली कोट कर दिया ताकि मसाला सब पीसेस में अच्छे से चिपक जाए. और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे. मैरिनेशन के पहले अब हम इसमें शेज़वान चटनी भी ऐड करेंगे, जिससे थोड़ा कलर और फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा. अब स्टीमिंग की जो प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं. इसके लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक राइस कुकर का इस्तेमाल किया है. आप चाहें तो मोमो मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टीमिंग के लिए इडली मेकर का भी प्रयोग कर सकते हैं. अब हम अपने पीसेस को इसमें डाल देंगे. तो ये पीसेस इस तरह से आप रखें कि पीसेस में स्टीम नीचे से उठते हुए सबको इवनली कुक करे और कोई भी पीस एक के ऊपर एक ना चढ़े, नहीं तो वो बीच से कच्चा रह जाएगा. पीसेस को हमने इवनली सबको बराबर से एक ही लेवल पे रख दिया है. अब हम इसको ढक के रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए अब हम इसको कुक करेंगे. इट इज़ ऑन नाउ. कुकिंग के दौरान हम इसे एक बार बीच में खोल के देख लेंगे कि ये प्रॉपरली कुक हो रहा है कि नहीं. सो एज़ यू कैन सी, बहुत बढ़िया तरीके से कुक हो रहा है, खुशबू चारों तरफ फैल चुकी है और अब हमारी स्टीम फिश तैयार है. गाइस यू कैन सी, लुक एट द कलर, लुक एट द
अपियरेंस ऑफ दिस फिश वंडरफुली कुक्ड, आई कैन फील द अरोमा ऑल्सो, खुशबू बहुत दूर तक फैल रही है। और डेफिनेटली अब इसे हम लोग सर्व कर लेते हैं और इसको हम लोग गार्निश कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी द कलर इज़ रियली एंटाइसिंग, द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द फिश इज़ रियली एंटाइसिंग। एंड टेल यू गाइस, ये फिश बिल्कुल भी हैवी नहीं होती, तो इसे आप कितनी भी क्वांटिटी में खाएंगे आपको हैवीनेस नहीं महसूस होगी। इसको सर्व करें पुदीना और मिर्ची की चटनी के साथ में, और एज ए स्नैक, या फिर आप इसको रेड वाइन के साथ में लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द रेसिपी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून, जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन, गुड बाय, चाओ।